आइए दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं राजीव सर आज आपके सामने अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज मैं सूरदास के जीवन के मुख्य बिंदुओं को एक कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यह वीडियो विशेष करके क्लास टेंथ के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से इस कविता के माध्यम से सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपने क्लास की तरफ चलें। तो देखिए दोस्तों, ये कविता है सूरदास के जीवन पर लिखी गई है। देखिए दोस्तों, रामदास शाश्वत का बेटा, जन्म से ही जो अंधा था, श्री कृष्ण का बंदा था वो, श्री कृष्ण का बंदा था। 1478 में रुनक्ता में वो जन्मा था, गोवर्धन पर्वत के ऊपर नाथ मठ में रहता था। वल्लभाचार्य जी गुरु थे उनके, परसौली की है ये बात। 1580 में उसने प्राण दिए थे अपने त्याग। सूर सागर साहित्य लहरी, रचना की, ब्रज भाषा के कवि थे और गे पद में सब रचना थी। देखिए दोस्तों, कितना आसान है और कितनी आसानी से आप सूरदास जी का जीवन परिचय इस कविता के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। आइए फिर एक बार दोस्तों हम गुनगुनाते हैं, आप भी हमारे पीछे साथ साथ बोलेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, रामदास शाश्वत का बेटा, जन्म से ही वो अंधा था, श्री कृष्ण का बंदा था वो, श्री कृष्ण का बंदा था। 1478 में रुनक्ता में वो जन्मा था, गोवर्धन पर्वत के ऊपर नाथ मठ में रहता था। वल्लभाचार्य जी गुरु थे उनके, परसौली की है ये बात। 1580 में उसने प्राण दिए थे अपने त्याग। सुर सागर साहित्य लहरी, सुर सरावली रचना थी, ब्रज भाषा के कवि थे वे और गे पद में सब रचना थी। तो है ना दोस्तों आसान, आइए इसको विस्तृत तरीके से समझा देते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनक्ता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था और ये जन्म अंधे थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे। साथ में दोस्तों हम ये कहेंगे कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जिनकी कृपा से ये गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ बाबा के मठ में भजन कीर्तन करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका अंतिम समय आया तो ये अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने के लिए पारसौली गए और वहीं पर गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए 1580 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों अगर मैं हम इनकी रचनाओं की बात करें तो सूरदास की प्रमाणित तीन ही रचनाएं दोस्तों मिलती हैं, सुरसागर साहित्य लहरी, सुरसरावली, और ये ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों। और इनकी रचनाएं जो है दोस्तों गे पद में है, और आप जानते हैं गीत काव्य का प्रथम कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मैथिल कोकिल विद्यापति, विद्यापति गे पद के प्रथम कवि माने जाते हैं, गीत काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और उसी श्रेणी में सूरदास जी भी आते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बार और गुनगुनाते हैं, सूरदास जी को आसानी से हम अपने मन मस्तिष्क में स्थान देते हैं। तो देखिए दोस्तों, रामदास शाश्वत का बेटा, जन्म से ही जो अंधा था, श्री कृष्ण का बंदा था वो, श्री कृष्ण का बंदा था। 1478 में रुनक्ता में वो जन्मा था, गोवर्धन पर्वत के ऊपर नाथ मठ में रहता था। वल्लभाचार्य जी गुरु थे उनके, परसौली की है ये बात। 1580 में उसने प्राण दिए थे अपने
सुर सागर साहित्य लहरी सुर सरावली रचना थी, ब्रज भाषा के कवि थे वे और के पद में सब रचना थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके अपनी विचारधारा हमें शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।